बरेली के होटल में युवती की बेरहमी से हत्या का मामला यहां काफी दूर पकड़ रहा था, जिसमें अब कोतवाली से 100 मीटर दूर स्थित प्रीत पैलेस होटल में जिले के शाही कस्बा निवासी युवती फरमाना उर्फ शब्बू की गला रेत कर हत्या करने के बाद मंगेतर ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। युवक आलम कुरैशी होटल के नजदीक के ही आजम नगर का रहने वाला था। मंगलवार दोपहर कमरे से युवती का शव मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने 6 घंटे में ही मामले का खुलासा कर दिया, पर वजह भी साफ कर दी गई। पता चला कि आरंभ का आपराधिक इतिहास होने के चलते युवती के परिजनों ने रिश्ता तोड़ दिया था, जिससे वो काफी नाराज था। बता दें कि पुराना रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित इस होटल में आलम ने 18 अगस्त की शाम कमरा बुक किया था, उसके साथ युवती भी आई। होटल स्टाफ ने केवल आलम के आधार कार्ड का फोटो और अपने मोबाइल फोन में लिया। इसके बाद आलम को बाहर आने जाने का रास्ता दिखाया। वो युवती का चाकू से गला रेत कर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर कब हत्या कर गया किसी को पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में कैद रिकॉर्डिंग के मुताबिक आलम होटल से सोमवार दोपहर 3:30 बजे निकलने के बाद लौटा ही नहीं। मंगलवार दोपहर तक युवती का शव होटल के कमरे में सड़ता रहा। बदबू आने पर स्टाफ ने कमरा खोल कर देखा तो शव मिलने पर सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। जानकारी पर एसपीसीटी राहुल भाटी, सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव, कोतवाल दिनेश शर्मा, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर यहां सबूत जुटाने पहुंच गई। होटल प्रबंधन से मिली आलम की आईडी के आधार पर पहले उसकी और फिर घर वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने शब्बू की पहचान की। बाद में पता लगा कि आलम ने सोमवार रात करीब 9 बजे फतेहगंज पश्चिम क्षेत्र के धनेटा क्रॉसिंग के पास संगम एक्सप्रेस से कटकर अपनी जान दे दी। माना जा रहा है कि हत्या करने के बाद आलम पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में होटल से निकला होगा, यही वजह रही कि उसने कमरे का दरवाजा भी लॉक नहीं किया। एसपीसीटी राहुल भाटी के मुताबिक युवती की हत्या के बाद आरोपी आलम ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि काफी समय पहले दोनों की शादी तय हुई थी। हत्या की क्या वजह रही दोनों लोगों की मौत के बाद ये साफ नहीं हो सका। होटल प्रबंधन की लापरवाही लग रही है कि उन्होंने युवती की आईडी क्यों नहीं दी। मामले में कार्रवाई को लेकर विमर्श किया जाएगा। आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को दिन में तकरीबन 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित होटल प्रीत पैलेस के कमरे में एक युवती की लाश पड़ी है, जिसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस युवती की शेनाथ फरजाना उर्फ शब्बो निवासी थाना शाही जनपद बरेली के रूप में हुई है। इसकी अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में जब जाँच की गई तो स्पष्ट हुआ कि दिनांक 19 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास अभियुक्त आलम द्वारा धारदार हथियार से इस युवती की हत्या करके शव को होटल के रूम के अंदर ही छोड़कर वहां से अभियुक्त फरार हो गया था एवं दिनांक 19 अगस्त 2024 को रात्रि करीबन 9:15 बजे थाना जीआरपी द्वारा धनेटा क्रॉसिंग थाना फतेहगंज पश्चिमी पर एक युवक की ट्रेन के द्वारा रन ओवर के बाद मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। जीआरपी द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया था। आज उस युवक की शिनाख्त अभियुक्त आलम के रूप में हुई है। परिवारजनों द्वारा अभियुक्त को पहचान लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।